अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज, आप ही के अपने YouTube चैनल यूनानी ज्ञान से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे बखैरियत होंगे और हमारी बताई नुस्खों से जरूर फायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नजले, खांसी, जुखाम, जो कि आजकल का मौसम है या पुराने से पुराना नजला है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मेरे हाथ में दोस्तों इत्री फल जमानी, बहुत ही शानदार मौजूद है दोस्तों इस तरह की बीमारियों में, जो नजले की खांसी की परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नजले की वजह से जिन लोगों को सर में दर्द रहता है या जिन लोगों को पुराना नजला हो गया है उसकी वजह से परेशानी रहती है, नाक जिनका फंस जाता है किस्म से, सांस उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी कई तरह की दिक्कतें रहती हैं और सर में दर्द रहने लगता है, चक्कर रहने लगता है, घुमेर रहने लगता है नजले की वजह से, और नजला नहीं जा रहा है दोस्तों, तो आप इत्री फल जमानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कितने में आपको मिल जाता है इत्री फल जमानी, दोस्तों हमदर्द इसकी बनाने वाली कंपनी है, 66 रुपए में 125 ग्राम आपको ही मिल जाता है। यूनानी मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है, और हमदर्द का मेरे पास में दोस्तों है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बात करो दोस्तों इसके फॉर्मूले की, तो इसमें खुश्क आंवला इस्तेमाल किया जाता है, बनफसा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें फिलफिल इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई तरह के इसमें जो आइटम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, सना, संचल, सौंफ, और इसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और काफी लंबा फॉर्मूला दोस्तों आप देख सकते हैं। और अगर आप नजले की परेशानी से जूझ रहे हैं, नजले की वजह से आपको कई बार बुखार से किसी की हो जाती है, चक्कर आपको आ सकता है या कई तरह की दिक्कत रहती है, तो उसमें बढ़िया काम करता है नजले की बीमारियों में, और या चाहे वो सर्दी की वजह से नजला हो या पुराना नजला हो, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। बात कर लेते दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल की विधि दोस्तों आपने 5 से 10 ग्राम गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करना है। सुबह में आप इसे खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। नाश्ते के बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और शाम में खाना खाने के बाद में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी से या गर्म चाय के साथ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोग भी इससे फायदा उठाएं इसलिए हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनानी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी दवा के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे चैनल में मौजूद नहीं है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमने इसमें दिया हुआ है।